पंजाब की 2022 विधानसभा चोणां नूं फतेह करन लई श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल ने चन्नी ते केजरीवाल नूं ऐलान करन दी होड च पिछे छड़ दिता है। इस मौके सुखबीर ने चन्नी ते तंज कसिया, कांग्रेस 5 सालां तों सत्ता ते रहि पर हुण 2 महीनियां च चन्नी घर नहीं वड़े, जबकि वह जनता नाल राबता करन लगे होए ने। नाल ही सुखबीर बादल ने अकालियां दे विकासशील कारज दे जनता मूहरे भुल बन्ने ते वेरवा दिता। अकाली सरकार वालों शुरू कीती तीर्थ यात्रा, नीले कार्ड दी सहूलत, सांझ केंद्र, शगन पेंशन, एससी स्कॉलरशिप जो कि कांग्रेस सरकार वालों बंद कर दिती गई, जिस करके उन्ना पंजाब कांग्रेस दी जम के ताड़ना कीती है। कहा कि 4.5 लाख बच्चे एससी स्कॉलरशिप राही मुफ्त सिक्ख्या ले रहे सन, जिस तो चन्नी सरकार ने बंद कर दिता है। सरकार ने पंजाब दी मां खेड कबड्डी दुनिया दे नक्शे कदम ते पहुंचाई पर कांग्रेस ने बंद कर दिती। अकेले भाखड़ा डैम तो बिना बाकी सारे डैम प्रकाश सिंह बादल सरकार वेले बनाए गए ने। ऐसे लड़ी च उन्हां केजरीवाल नूं सीधे हथी लिया ते कहा उस नूं दिल्ली च गारंटियां देनियां चाहीदियां ने जिथे उसकी सरकार है। नाल ही उन्हां पंजाब नूं मुख रखदे कहा पंजाब च अमन शांति ते सारे धर्मां दा सत्कार हुंदा है। जेकर इत्थे वादे पूरे ना कीते गए, गुरुआं पीरां दी धरती ते वादे पूरे ना कीते गए, इत्थे दी जनता नूं ठेस पहुंचेगी, तां करके जो किया ओह पूरा करना चाहीदा है। इस दौरान उन्हां जनता नूं नवे वायदे उगाउण लई दुबारा 2022 च मौका देण लई मंग कीती ते नवे मुद्दे जनता नाल सांझे कीते, जिवें कि नीले कार्ड पहला महीने बणनगे, नीले कार्ड धारक औरतां नूं 2000 प्रति महीना मिलेगा, 400 यूनिट बिजली फ्री, हरेक परिवार दा 10 लाख सेहत बीमा होवेगा, विद्यार्थियों नूं 10 लाख दी मुफ्त पढ़ाई मिलेगी, 25,000 आबादी च एक मेगा स्कूल बनेगा, 10 लाख दा दुकान बीमा, 5 लाख दा कर्जा बिना ब्याज काम लई बेरोजगारां नूं मिलेगा। इस नाल ही उन्हां कई होर वादे कीते है। देखो कोई रहा 20-14-10 तां भज ही गए है, 11 भज गए है। केजरीवाल कहिंदा कुछ है, करदा कुछ है। दिल्ली जाके कहिंदा पंजाब दे थर्मल प्लांट बंद कर दिओ, पंजाब दे खेतां च जिहड़े पराली साड़दे किसान उहनां दे परचे दिओ, इत्थे कहिंदा इस वेल कनाल पाणी सानूं दिल्ली चाहीदा है। कि आ आपां पंजाब दा मॉडल केजरीवाल चाहुंदे आ जिहड़ा अपने अपनी खेती अपना सिर वटन फिरदा है, उत्थे कुछ करदा है, इत्थे कुछ करदा है। इत्थे आके कहिंदे मैं गारंटियां दे रहा हर औरत नूं 1,000 रुपया, मतलब की है तो मतलब उस वालां दी घरवाली नूं भी 1,000 रुपया दूगा, एवें झूठ ते झूठ। दिल्ली 10 साल हो गए 100 रुपया नहीं दिता किसी औरत नूं, इत्थे कहिंदा 300 यूनिट मैं बिजली माफ करूंगा, दिल्ली क्यों नहीं करदा, दिल्ली नहीं करदे। इत्थे कहिंदे मैं मुलाजमान नूं सारिआं नूं पक्का कर दूं, दिल्ली हले तक 10 साल हो गए धरने ते बैठे एक पक्का नहीं कीता। आ सारे लोग इत्थे आके थोड़ियां भावना ते खेडण वाले है, इन्हां दा कोई रिश्ता पंजाब नाल नहीं, कोई इन्हां दा प्यार पंजाब नाल नहीं। हुण तुसीं इश्तिहार भरो, एक मौका केजरीवाल नूं दो, हुण दिल्ली वाले आके अपने ते राज करूगा। जे इहनूं नहीं वोटां मिलदियां इहनूं कोई परवाह नहीं, इहने दुकान चक के होर कितें सूबे चले जाऊगा। असीं श्रोमणी अकाली दल ने जिउणा मरना इत्थे है, 100 साल पुरानी पार्टी है। इस महीने 14 तरीक नूं 100वें वरेगंढ अपनी, एक तां मैं सारे वर्करां नूं बेनती कर रहा, जिले वाली सारी लीडरशिप आई है, सारे अपां तों MLA कैंडिडेट भी आए है, 14 तरीक नूं मोगे अपना 100वें वरेगंढ दा इकट्ठ हो रहा है, इतिहासिक इकट्ठ हो रहा है। सारे वर्करां नूं एक बेनती करदा, उस दिन घरे नहीं रहना, उत्थे मोगे पहुंचना ही पहुंचना है। जंग तो पहले जो जंग लगती होंगी पुराने जमाने फौज कट्ठी होके खड़ी हो जाती सी, दुश्मन फौज नूं देख के ही घबरा जांदे सी, हाँ भज जांदे सी। तो इस करके 14 तरीक नूं आपां फौज दिखा दईए अकाली दल BSP दी, ना आप लभनी है ते ना कांग्रेस लभनी है। कांग्रेस
कांग्रेस डांगो डांगी हुई पई है, छित्रो छित्री हुई पई है, उदा पता नहीं कोई कुछ कहिंदा कोई कुछ कहिंदा है। वो सोचते हैं कैप्टन ने तो गुटका साहब की झूठी सौं खा के लोगों ने वोटा ले लिया। चन्नी सोचता मैं लान करके वोटा ले लूंगा। जित मैं लगता पिछले महीने के अंदर कोई 25-26 हज़ार करोड़ के ऐलान कर चुका है। मैं हुणी ये तो पहले भदौड़ हल्के तो जाके आया, 3-4 दिन पहले उत्थे आया ते 25 करोड़ भदौड़ हल्के वास्ते ऐलान करिया। 3-4 दिन बाद सरपंचा ने डीसी ने बुलाया, कहिंदा जी 1 करोड़ दे सकदा है आपां वंड लो। सारे डीसी उत्थे सरपंच धरने ते बह गया, कहिंदा सानू क्या 25 करोड़ सी, हुण कहिंदा करोड़ ले लो। आ तां हालात है, जिथे जाऊगा आ चीज वो चीज। जो रेहड़ी कोले खड़ जाऊगा, मैं रेहड़ी मैं भी लाउंदा हुंदा सी, कपड़े धोंदा हुंदा सी, रोटी पकाउंदा हुंदा सी, नशे भी करदा हुंदा सी। इहदे कहना तुसी आम आदमी लगूगा, आम आदमी दिलों चाहीदा। सही मायने ते आम आदमी सरदार प्रकाश सिंह बादल सी, श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप, अकाली दल के वर्कर, आम आदमी, श्रोमणी अकाली दल की सरकार विच मुख्यमंत्री ते मंत्री थोड़े विच आउंदे, संगत दर्शन करदे, थोड़े च बह के थोड़ियां मुश्किलां हल करदे। अज जो कुछ भी पंजाब च है, जो कुछ भी गरीब किसान मजदूर नूं मिल रहा है, सारियां चीजां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दित्तियां। MSP 1966 विच श्रोमणी अकाली दल ने मोर्चा ला के MSP लागू कराई। आ जिहड़ियां मंडियां आपां बैठे हैं, आ सारी देन श्रोमणी अकाली दल दी है। नहरां कसियां दी देन श्रोमणी अकाली दल दी है, पक्के खाले ते अंडरग्राउंड पाइपां दी देन श्रोमणी अकाली दल दी है, ट्यूबवैलां दे बिल माफ करने श्रोमणी अकाली दल दे, ट्यूबवैल कनैक्शन 16 लाख तो 13 लाख श्रोमणी अकाली दल दे सरकारां दे दौरान आए है। आटा दाल शगन पेंशन, लड़कियां नूं साइकल, 200 यूनिट बिजली दे माफ, SC स्कॉलरशिप बच्चों नूं पढ़ाउंदे सी, पर सारा कुछ बंद करता कांग्रेस ने 5 साल जिहड़े गरीब बच्चों नूं असीं पढ़ाउंदे सी, SC बच्चों नूं 4.5 लाख बच्चों नूं कॉलेज मुफ्त पढ़ाउंदे सी, कांग्रेस ने बंद रखी है 5 साल। ये तो वड्डा पाप की हो सकता है। सेवा केंद्र मैं थोड़े पिंडां च खोले, बंद कर दिते। वर्ल्ड कप कबड्डी करवाउंदा सी, बंद कर दिता। खेडां दा समान जिम नौजवानों नूं दिंदा सी, बंद कर दिते। दिता की है, कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री कुछ है ही नहीं कुछ, तो हुण वोटां किस वास्ते। इस करके मैं बेनती करना है, फैसला तुसी करना है, अपने अपने हुंदे है। तुसी देखो श्रोमणी अकाली दल की सरकार किवें सुनाम हल्के तरक्की हुई, किवें संगरूर जिले तरक्की हुई, पूरे पंजाब तरक्की हुई। अज जदों तुसी पंजाब दीआं सड़कां ते जाने हो, किन्नीआं वधीआं सड़कां बना दीआं, किवें थर्मल प्लांट बनाते, हले बहुत काम करन वाले है। एक मुख्यमंत्री चाहिए जिहड़ा दलेर होए, काम करे, तरक्की कराए। कोई लारे लाने वाला ड्रामे करने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। थोड़ी मां पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, थोड़े बुजुर्गों ने बनाई, थोड़े बुजुर्गों के खून पसीने ना बनाई पार्टी है। आ कोई सुखबीर सिंह बादल की, बलदेव मान की, चंदू मरा साहब की पार्टी नहीं है, इन्हों की जायदाद नहीं है। आ पार्टी थोड़ी जायदाद है, थोड़ी खून पसीने नाल सींची हुई पार्टी है। तो मैं कह सकदा कौम पंजाब उदों तक तकड़ा जे थोड़ी मां पार्टी तकड़ी है। जे अज अमरीका च अपने भैन भरा किसी नूं कोई पंगा पैंदा है, सब तो पहले मैनूं टैलीफोन करदे आ कि साडी गल करो। जे सिक्किम विच, बंबई, बैंगलोर, किते भी अपने भैन भरा नूं कोई पंगा पैंदा है, सब तो पहले मैनूं टैलीफोन करदे आ। किते उह सोनिया गांधी नूं नहीं करदे, या केजरीवाल नूं नहीं करदे, या अमित शाह नूं नहीं करदे, क्योंकि उन्होंने की थोड़े वास्ते थोड़ी लड़ाई लड़नी है। जे लड़ाई लड़नी है थोड़े वास्ते, तो छोटी श्रोमणी अकाली दल ने करनी लड़नी है। दूजे आउणगे, ड्रामे करनगे, तुसी देख ही लिया आम आदमी पार्टी। इस करके खास करके आज जिहड़ा इलाका है, मैं बेनती करना चाहना है, देखो 10 साल आपां बर्बाद कर ले, 10 साल पिछे रह गए।
अपनी पार्टी अपनी हुंदी है, बहुत कुछ करने वाला है। असी 13 नुकाती प्रोग्राम लेके आए हैं, बड़े सोच समझ के लेके आए हैं, कोई लारे लाने वाला नहीं। असी अज तक जो कहने असी पूरा किया, तो हुण जिहड़ा 13 नुकाती असी देखिया किस किस नूं की चीज़ की लोड़ है, किवें पंजाब उहदे नाल वध सकदा है। पढ़ाई का क्षेत्र ते सेहत के क्षेत्र में दो एरिए है जिथे मैं पूरा जोर लाने की सोच रहा। एक तो असी 13 नुकाती प्रोग्राम के राही जिहड़े नीले कार्ड परिवार है जिन्हां दे कट्टे गए तो पहले महीने बना देंगे, पर जिहड़े परिवार कार्ड होणगे उन्हां दी जिहड़ी औरत है घर चलाउण वाली औरत है असी सोचिया उन्हूं सब तो वड्डी लोड़ हुंदी है, इस करके 2000 रुपया महीना उहदे खाते जाया करूगा। पिछली बार असी बिजली पूरी कीती, एकती बिजली सस्ती करांगे, पहले 400 यूनिट भावें SC भावें BC भावें जनरल कैटेगरी सारे भाईचारे वास्ते पहले 400 यूनिट मुफ्त होंगे, उसके बाद बिल शुरू होया करूंगा। हर परिवार का एक कार्ड मेडिकल का बनूगा, जिवें अमरीका कनेडा विच इंश्योरेंस हुंदी है, तुसी हस्पताल जाके इंश्योरेंस का कार्ड दिखा दिओ 10 लाख रुपये तक, जो असी कार्ड बनावांगे 10 लाख रुपये का परिवार किसी प्राइवेट तो सरकारी हस्पताल भावें CMC DMC कि भी जाके इलाज करा सकोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे पंजाब विच पैसे करके बंदा इलाज ना करा सके, पूरा पैसा इन्हां चीज़ां चलाउणा है। जिहड़े अपने नौजवान बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं, बहुत बच्चियां मेरे को आउंदियां 50,000 फीस तो इन्हू है नहीं कॉलेज पढ़न वास्ते, बड़े बच्चों में टैलेंट है, गरीब बच्चों बाद पर उन्होंने को पैसा है नहीं। कोई बंदा बच्चा लवली यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ता है, कोई मेडिकल कॉलेज करना चाहता है, कोई दिल्ली पढ़ना चाहता है, पर पैसे है नहीं। कोई कनेडा जाके पढ़ना चाहता है, मैं नहीं चाहता मेरे पंजाब के बच्चे अपना घर वेचन या कर्जा लैन या जमीन वेचन। सो असी 10 लाख रुपया स्टूडेंट कार्ड स्कीम लेके आ आवेंगे, मतलब कि जिन्हें बच्चे ने पढ़ना है साढ़े सरकार में रजिस्टर हो जूगा, 10 लाख रुपये तक किसी मर्जी हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर किसी कॉलेज एडमिशन ले लो, 10 लाख रुपये तक पैसा उसके खाते चले जाऊगा। एक असी सरकारी स्कूलों के मगर लगना है, सरकारी स्कूल पढ़ाई फेल क्यों होगी, क्योंकि 5-5, 4-4 कमर के सरकारी स्कूल है, 2 टीचर होंगे है, कि पंजाबी का टीचर साइंस पढ़ा सकता है जी, अंग्रेजी का टीचर ज्योग्राफी पढ़ा सकता नहीं, पर आप सोचते 2 टीचर है, खाना पूर्ति वह खाना पूर्ति जमाने मैं नहीं रहन देने। सोचा की है कि हर 25,000 आबादी के अंदर 5,000 बच्चे का वड्डा मैगा स्कूल जिथे 200 टीचर कट्ठे एक ही स्कूल च होन, 5,000 बच्चे का स्कूल उत्थे ही मकान होन, घट तो घट सरकारी जो पढ़ाई स्कूल जाए पूरी होए, जिमें थोड़े हल्के जे 3 लाख आबादी है मतलब थोड़े 12 ऐजे वड्डे स्कूल अलग अलग कोने च हो जाएंगे, घट तो घट जो बच्चे पढ़न तो चंगी पढ़ाई मिले। तो जिहड़े सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे है जे वो कॉलेज किसी भी पंजाब के कॉलेज पढ़ना चाहन, 33% सीटा सारे कॉलेजों प्राइवेट तो सरकारी विच सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों वास्ते रिजर्व कीतियां जाणगियां, तो उन्हां दी पढ़ाई मुफ्त होगी। मैं अगले 5 साल अपने पंजाब विच वध तो वध पैसा पढ़ाई मगर ते सेहत मगर आ डॉक्टरी ते आदा सिस्टम मतलब करना है। तो इस सरकारी नौकरियां च भी रिजर्वेशन जी होगी सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े हुए बच्चों वास्ते होगी, 50% नौकरियां लड़कियां वास्ते असी रखांगे। बहुत लड़कियां बहुत लड़के अपना काम करना चाहते, बच्चे कोई दुकान खोलना चाहता है, लड़कियां ब्यूटी पार्लर करना चाहदिया, कोई सिलाई का काम दुकान खोलनिया चाहदिया, पर बेचारे गरीब को पैसा नहीं है। जेडे बच्चे अपने आप कोई काम करना चाहन असी पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तो 5 लाख रुपये का उन्होंने लोन देवे जिदा कोई ब्याज नहीं होगा अपने पैरों से खड़े होने वास्ते। जिहड़ियां थोड़े छोटे दुकानदार है पिंडां च भी है शहरां च मंडियां दुकानदार बेचारे उन्हां तरफ कोई ध्यान नहीं दिंदा, असी उन्हां वास्ते 3 स्कीमां लेके आ रहे हैं। एक तो 25 लाख रुपये तक जिहदी सेल है
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੀਜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 5% ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। 7 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੋ। 7082844950